खरगोन जिले में शासकीय चरणोई भूमि पर अवैध कब्जे के विरोध में ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और दबंगों के कब्जे को जमीन मुक्त कराने के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। दरअसल मामला बेड़िया थाना अंतर्गत ग्राम मर्दाना का है, जहां दबंगों ने मुआवजा राशि हड़पने के लिए सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि पूर्व में ग्रामीणों ने प्रशासन को मामले से अवगत कराया था, लेकिन उचित कार्यवाही के अभाव में ग्रामीण एक बार फिर लामबंद हुए हैं। जिला कलेक्टर के नाम उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। पशु पालन पशु चराने जाते हैं तो अवैध कमी गाली गलौज करते हैं और थाने पर झूठी रिपोर्टें कराकर बेवजह परेशान करते हैं। गाँव के वरिष्ठ जनों द्वारा अतिक्रमणकारियों को ग्राम मर्दाना से आए हैं। हमारे यहाँ गोचर भूमि है करीबन 125 एकड़, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया है। अब गांव के लोग उस पर गाय चराने जाते हैं तो गालियां दे करके गांव झूठी कार्रवाई करते हैं एवं गौवंश को वहाँ चरने नहीं देते। पहले भी शिकायत की क्या पहले? इसकी शिकायत हमने सनावत बेड़िया बड़वाहा इजम साहब पास सब दूर की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितनी एकड़ भूमि है वो? जमीन ये 60 हेक्टेयर के आसपास है, जिसमें परंपरागत रूप से पहले से हमारे मवेशी पीढ़ी दर पीढ़ी चरते आ रहे हैं, लेकिन अभी इन लोगों ने मौजे की लालच में आकर के कुछ मकान बना लिए हैं, कुछ खेत बना लिए हैं। गांव में गांव के लोगों ने समझाने का प्रयास किया, उन्होंने पहले बोल भी दिया था कि हम हटा लेंगे, लेकिन अब इनके इरादे ऐसे लगते हैं कि हटाएंगे नहीं, इसलिए गांव के लोगों को ये रास्ता अपनाना पड़ा। कौन से गाँव का मामला है? हम लोग मर्दाना से आए हैं, ये बेड़िया थाना के अंतर्गत आता है। क्या मांग किया आपने? हम लोगों ने कलेक्टर साहब से मांग की है कि ये अधिकृत जमीन जो इन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, इसे मुक्त करा दिया जाए और इस पर गायों को गांव के पशुओं को चरने के लिए खाली करा दिया जाए, ताकि हम लोगों को पशु पालने में दिक्कत ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सालगराम चौधरी। मेरा नाम कालू सिंह मंडोई। हम ग्राम मर्दाना से आए हैं और शासकीय भूमि पर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है उसको हटवाने के लिए पूरे गाँव से लोग आए हैं। और उसके बाद मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 1984 को मैं सरपंच बना और बनने के बाद केंद्र सरकार की योजना बनी थी सामाजिक वन के विभाग के लिए शासकीय जमीन होना। जब मैं सरपंच था मेरे से लोग शासकीय अधिकारियों ने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद वो जो पूरी जमीन थी खसरा नंबर 70 की, उसमें कम से कम हजारों पौधे लगे थे और लगाने के बाद 20 वर्षों तक उसकी चौकीदारी करवाई और चौकीदारी के पूरा वन भरा, परंतु महेश्वर परियोजना के डूब के कारण लोगों ने उन पौधों को मिटा दिया और जो रेत माफिया थी जो रेती खदान के लिए उन्होंने पूरे पौधों को नष्ट कर दिया। उसके बाद अभी जो अतिक्रमण हुआ महेश्वर परियोजना का मुआवजा मिलने के बाद कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था शासकीय जमीन में, उन लोगों को भी अब मुआवजा मिला, तो उसी की लालच में आकर के और इन्होंने शासकीय जमीन पर किसी ने अपना खेत बना लिया, किसी ने मकान बना लिया, ये कुल मिला के जो अतिक्रमण हुआ है ये मुआवजे की लालच में हुआ है। और पूरी जमीन में अभी वहाँ गौशाला का शुभारम्भ हो चुका है। हम सब गाँव वाले चाहते हैं कि गाँव ये निश्चित गौ चरणोई भूमि है और यह गौ चरने के लिए ये सारे लोगों का अतिक्रमण शीघ्र हटना चाहिए। अतिक्रमण नहीं हटा तो क्या करोगे आप लोग? नहीं हटा तो क्या करेंगे आप? नहीं हटा तो फिर हम शासन की तरफ से फिर ज़्यादा संख्या में आंदोलन करेंगे, धरना देंगे और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर हम ये नहीं चाहते कि हम अपने हाथ में कानून लें। सारे निवेदन करने के बाद भी अगर अतिक्रमण किसी प्रकार नहीं हटता है तो फिर हमको अपने कानून को हाथ में लेने के लिए हम सक्षम हैं, एक दिन में पूरा अतिक्रमण हटा सकते हैं। क्या नाम है? परंतु हम ये नाम क्या लिखते हैं आप? कालू सिंह मंडोई मर्दाना मैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।